गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर फिट ऑन फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल आर प्रमोटेड इन क्लास फिफ्थ। हेयर इज़ योर मैथ्स बुक, ओके, एंड हेयर इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज इन योर मैथ्स क्लास। ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है, ये आपका सारा जो अभी तक आपने प्रीवियस वर्क किया है उसी पे डिपेंडेड है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, मीन्स ये एक तरीके से रिविज़न वर्क है आपका, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़, आपको क्या करना है, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर है आपका 1750, ठीक है, 1750। इसको अगर आप न्यूमेरल्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1750, ठीक है। बाकी की जो डिजिट्स दे रखी हैं इन्हें भी आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और आपको इन्हें नंबर्स में लिखना है, ठीक है। आई मीन टू से आपको इनकी नंबर्स नेम लिखने हैं, ठीक है। डिजिट दी हुई है आपको 24056। अब देखो इन्हें रीड करने के लिए क्या करते हैं, हम प्लेस वैल्यूज़ देखते हैं इनकी। सिक्स जो है हमारा किस पे है, वंस प्लेस पे। फाइव हमारा टेंस प्लेस पे। ज़ीरो हंड्रेड प्लेस पे। फोर थाउजेंड प्लेस पे। एंड टू 10,000 प्लेस पे। यानी कि इसे कैसे रीड करेंगे हम, 24 है 24,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 56। तो ये हमारा क्या हो गया, 24,056, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया। सेम आपको इन सारे डिजिट्स को इनकी स्पेलिंग्स लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि इनको एक्सपेंड करके आपको लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने कैसे बताई थी, ये आपने पहले भी किया हुआ है। पीछे से स्टार्ट करते हैं हम, टू, टू के बाद में कोई डिजिट नहीं है इसलिए सिर्फ टू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन, सेवन के बाद में कितनी डिजिट है, टू, वन, यानी कि सेवन के साथ में एक जीरो, ठीक है। उसके बाद में थ्री, थ्री के बाद में कितनी डिजिट्स हैं, टू, यानी कि थ्री के साथ में टू जीरो, ठीक है। देन टू, टू के बाद में कितनी डिजिट्स हैं, थ्री, तो टू के बाद में थ्री जीरो। देन वन, और वन के बाद में कितनी डिजिट्स हैं, फोर, तो यहाँ पे आ जाएंगे फोर जीरो, ठीक है। तो 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2, इसे हमने इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। आपको ये बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट इज, राइट द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। उसका अपोजिट आपको करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी हुई है और उनको आपको शॉर्ट में करके लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, ये सारे जीरो हटा देने हैं एक तरीके से आपको बेसिकली, और सिर्फ डिजिट डिजिट लिखनी है। तो 4 5 7 7 2, ओके। बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही होने हैं, जहाँ पे सिर्फ जीरो अगर आपको दे रखे हैं तो उनकी जगह आप जैसे 4 0 दे रखे हैं तो आप एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 80008, ठीक है। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स इन 52,798, 5 इज इन द, 5 कहाँ है, यहाँ पे, कौन से प्लेस पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो 5 कौन से प्लेस पे हुआ, 10,000, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। एंड 7, 7 कहाँ पर है, 7 आपका ये रहा, 7 किस प्लेस पर है, 7 है आपका 100 प्लेस पे, ठीक है। इसी तरह से ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बुक में ही फिल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स के साइन का। जैसे हम तक अभी तक बाकी डिजिट्स में कर रहे थे, सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। 27,365 और 27,356, बड़ा क्या है, 365, तो ओपन वाला माउथ इधर की तरफ। यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो इक्वल का साइन, बाकी के ये दो भी इसी तरीके से होंगे। नेक्स्ट है फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 2 इन फॉलोइंग नंबर्स। हर डिजिट में 6 और 2 कहाँ पर है वो आपको बताना है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, बाकी के आपको खुद करने हैं। 28,506, इसमें 6 कहाँ पर है, एक तो ये रहा, और 2 कहाँ पर है, तो 6 और 2 हमने लिख दिए क्योंकि इन दोनों की हमको प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 6 कहाँ पर है, वंस प्लेस पे, तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, वंस। और 2 कहाँ पर है, 10,000 प्लेस पे, तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 10,000, ठीक है। आपको हर डिजिट इसी तरीके से उतारनी है, उसमें 6 और 2 किस प्लेस पर है वो उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क द राइट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इजिकल्स टू इन बिटवीन द गिवन नंबर। सेम जैसा ही क्वेश्चन है, आपको डिजिट्स के बीच में कंपैरिजन वाले साइन लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपका कहते हैं बढ़ते हुए को,
यानी कि छोटे से बड़ा, ये सारे डिजिट्स हैं आपके। इसमें सबसे छोटा डिजिट हमने लिखा सबसे पहले, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से होंगे। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपका कहलाता है उल्टा, यानी कि बड़े से छोटा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा। ये देखो ये सारे डिजिट्स हमने उतारे, उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ऑब्जर्वेशन करते हुए आपको खुद ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर काउंटिंग में कहाँ आता है। जो नंबर पहले आता है वो छोटा है और जो बाद में आता है वो बड़ा है। और आपको ये वाले क्वेश्चंस भी अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप ये वाला वर्क कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।